वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, एंड अब उन्हें ये रियलाइज होता है कि पास्ट में आपको एक्सेप्ट ना करके उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं देखता हूँ आपका पर्सन आपको चैनल्ड मैसेजेस के जरिए क्या कहना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको ये बताना चाहता है कि वो अपने डर की वजह से कैद हैं अपने अंदर ही अंदर। हो सकता है कि वो काफ़ी बार आपको चीज़ें क्लियर नहीं बताते हों या फिर बातें अधूरी छोड़ देते हों। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात करना पसंद नहीं करते या उनका आपसे बात करने का मन नहीं करता। इट्स जस्ट दैट उनके पास मोस्टली सही शब्द नहीं होते अपनी फीलिंग बयां करने के लिए, एंड उन्हें ये भी डर लगा रहता है कि उस कॉन्वर्सेशन का आउटकम क्या निकलेगा, कहीं चीज़ें पहले से भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं और उन्हें बाद में रिग्रेट करना पड़े। ये ख्याल आपके पर्सन को अंदर से परेशान करता रहता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये वहम है आपके पर्सन का, जो उनके ज़्यादा सोचने की वजह से उनके अंदर डेवलप हो गया है। वो किसी भी सिचुएशन को बार बार सोचकर उसे अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि फिर उन्हें उस बात या सिचुएशन को फेस करने में डर लगने लगता है। इसी रीज़न से वो आपको भी अपनी फीलिंग ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई फील आपका पर्सन आपको ये भी बताना चाहता है कि वो मोस्टली चीज़ों को लेकर एक क्लियर माइंड नहीं रख पाते। उन्हें ये क्लैरिटी नहीं मिलती कि उन्हें इस रिलेशन में आगे जाकर आखिर करना क्या है या वो आगे जाके इस रिलेशन से चाहते क्या हैं। इस बात का फ़ायदा उनके आसपास के लोग भी काफ़ी उठाते हैं एंड उन्हें एक्सप्लॉयट करते हैं। क्योंकि आपके पर्सन क्लियर नहीं रह पाते, इसलिए वो लोगों के पास एडवाइस और ओपिनियंस के लिए दर दर भटकते हैं, एंड लोग उन्हें अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉयट करते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। और इतने सारे इनपुट्स, इतने सारे ओपिनियन सुन के आपका पर्सन और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम्स इसलिए भी आई थी क्योंकि आपके पर्सन ने औरों की बातों में आके कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे या कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, एंड इस बात का आपके पर्सन को भी पूरा रिग्रेट है इस वक्त। मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी टाइम से रिलेशन में हैं, एंड आप दोनों के रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स साइक्लिक फॉर्म में आते रहते हैं। आप दोनों लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को मना लेते हैं, एंड उसके बाद फिर से लड़ते हैं, एंड ये साइकिल कंटिन्यू ही होती रहती है। अब दोनों इस साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आई फील आपके पर्सन को पता है कि इस बात से आप काफ़ी इरिटेटेड हैं। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ आपका पर्सन आपको ये बताना चाहता है कि आप उनके लिए उनके यूनिवर्स के बराबर हैं। उनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा कोई उनके लिए वैल्यूबल नहीं है। उन्हें खुद भी इस बात से चिढ़ है कि क्यों वो इस रिलेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं एंड क्यों इसके लिए वो स्टैंड नहीं ले पाते। वो क्लियर ही नहीं हो पाते कि उन्हें इस रिलेशन में करना क्या है, और इसीलिए ना चाहते हुए भी वो गलत स्टेप ले लेते हैं। लेकिन वो एक बात के लिए काफ़ी क्लियर हैं, और वो ये है कि वो किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो भी उतना ही हर्ट हो रहे हैं जितना आप हो रहे हो। उन्हें काफ़ी गिल्ट है कि वो अपने एक्शन से आपको कभी भी दुख पहुंचाते हैं, एंड वो फ्यूचर में अपनी गलतियों को ठीक करने का पूरा ट्राई करेंगे। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपसे कभी प्रॉपरली अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया, अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर ही नहीं करी। उन्होंने कभी आपको क्लियर नहीं बोला है,
बट वो चाहते हैं कि आपको ये पता हो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपकी पर्सनालिटी उन्हें काफ़ी कैरिज्मेटिक लगती है। आपका बात करने का तरीका, जिस तरह आप लोगों को हंसाते हैं एंड टाइम आने पर इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं, वो उन्हें काफ़ी पसंद है। वो आपके ड्रेसिंग सेंस के भी काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। मुझे वाइब्स आ रही हैं कि अगर अभी तक नहीं, तो नियर फ्यूचर में आपका पर्सन ज़रूर आपसे अपनी फीलिंग शेयर करने वाला है एंड वो खुद भी इस बात के सच होने का वेट नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया हो या फिर आपकी फीलिंग्स को सामने से रेसिप्रोकेट नहीं किया हो, और इस रीज़न से, जैसा मैंने पहले कहा था, अब वो डरे डरे से रहते हैं। उन्हें अपनी पास्ट मिस्टेक्स का गिल्ट है और अब वो कुछ भी गलत बोलकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते और आपसे दूर नहीं जाना चाहते। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं एंड अब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि पास्ट में आपको एक्सेप्ट ना करके उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी। अब इन्हें कॉन्स्टेंटली ये भी डर लगा रहता है कि कहीं अब आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। अब आपके पर्सन को अपनी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन आ रहा है एंड अब वो इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टफ डिसीजंस लेने के लिए भी तैयार हैं। ओवरऑल आई फील आपका पर्सन आपको अपना सोलमेट मानता है। वो बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने वैल्यूबल हैं। पास्ट में की गई मिस्टेक्स का उन्हें पूरा रियलाइजेशन है। इन फ्यूचर में वो बिल्कुल अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि सिर्फ आप ही अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट रख सकते हो। आपको उन्हें अपने दिल के करीब संभाल के रखना चाहिए, तब तक जब तक कि आप उन्हें इस दुनिया में रिलीज करने के लिए रेडी ना हो जाएं। आपके जो भी सपने हैं, जो आप खुद के लिए सोचते हैं, आपको वो यहाँ दूसरों से डिस्कस नहीं करने चाहिए। उन्हें खुद में सीमित रखना चाहिए। अपनी मैनिफेस्टेशन या अपने सपनों को दूसरों को बताने से उनकी पावर कम हो जाती है और आपको ऐसा नहीं करना। जब तक कि वो इतने मजबूत ना हो जाए कि आप उस मैनिफेस्टेशन या सपने को अपने अंदर से रिलीज कर पाओ, तब तक आपको यहाँ खुद में इन्हें संभाल के रखना है। उनके दिल में आपके लिए और क्या है? जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।